अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यरूशलम को इजरायल की राजधानी घोषित करने के बाद ही बवाल मच गया है। गुरुवार को सैकड़ों फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी तट में इजरायली जवानों से भिड़ गए। इस दौरान हुई हिंसक झड़पों में कम 31 फलस्तीनी नागरिक घायल हो गए। हमास ने किया सैन्य आंदोलन का ऐलान। गाजा पट्टी में प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के जवानों पर पथराव कर दिया। वहीं जगह जगह टायरों में आग लगाकर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान इजरायली जवानों ने आंसू गैस छोड़कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। वहीं फलस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के नेता ने इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य आंदोलन चलाने की धमकी दी है। ट्रंप की इस घोषणा पर अरब देशों ने भी आपत्ति जताई है। अरब और यूरोपीय यूनियन के साथ ही ब्रिटेन, जर्मनी जैसे अन्य कई देशों के साथ ही यूएन ने भी विरोध किया है। यूएन सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन, फ्रांस के साथ ही अस्थायी सदस्यों बोलिविया, मिस्र, इटली, सेनेगल, स्वीडन और उरुग्वे की मांग और मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए यूएन ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है।